और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां यूपी का नेम प्लेट मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। याचिका में आदेश को सांप्रदायिक करार दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दो सदस्य बेंच जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो एक एनजीओ ने याचिका लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इसमें बात कही है। तो यूपी का नेम प्लेट मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसी संदर्भ में आज का जो दिन है वो काफी अहम है। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती एक एनजीओ की तरफ से दी गई है, जिसमें याचिका दाखिल कर आदेश को सांप्रदायिक करार दिया गया। दिल्ली से हमारे संवाददाता आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आमिर, क्या अपडेट है? आज बेहद अहम दिन, यूपी के नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ रहने वाला है? कितने बजे ये सुनवाई? देखिए, 11 बजे के बाद ये सुनवाई होने की उम्मीद है। और जिस तरह से यूपी में कांवड़ियों को लेकर के जो लगातार बयानबाजी होती रही है, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं, खासतौर पे जो कांवड़ियों के रूट पे चलते हैं, उनको बाकायदा अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, उनको नाम लिखना पड़ेगा, और ताकि किसी भी तरीके से कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, खाने पीने की दिक्कत ना हो, और जो वो चूज कर सके उस तक वो पहुंच सके। यानी कि कुल मिलाकर के जो आदेश था उसको लेकर के अब दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले पे आज सुनवाई अहम सुनवाई इसलिए है क्योंकि दूसरे पक्ष का कहना है कि ये सांप्रदायिक है, एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश इसमें की गई है, और ये कहीं ना कहीं देश को बांटने का एक तरीका माना जा सकता है। तो इसको लेकर के अलग अलग पक्ष जो है अपने अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए भी खटखटाया गया ताकि इस मामले पर जो है ये सुनवाई हो सके और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इसके मामले पर सामने आ सके। फिलहाल इस पर सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। एक पक्ष दलील ये रखेगा कि इससे पहले 2006 में अगर देखा जाए तब भी इस तरह के मामले सामने आते रहे। जब आप फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो FSSAI का लाइसेंस लेते हैं, तब आप दुकान के अंदर बाकायदा उसका एक सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसकी फोटो लगाते हैं, यानी कि जो ओनर है उस पर्टिकुलर दुकान का, और तमाम चीजें रखते हैं। तो खाने वाली चीजों को लेकर के काफी ज्यादा है। इसमें दूसरा पक्ष का यह कहना है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दुकान में जाता है, वो धर्म नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है, वो उधर से निकलता है तो किसी भी दुकान को चूज कर सकता है, ये उसकी आजादी होनी चाहिए। तो ये दोनों पक्ष जो है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राजनीति करी जा रही है, इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, जब नाम है तो नाम सामने आना चाहिए, किसी का कोई नाम अगर उजागर होता है तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है। वो भी ग्राउंड पर उतरी हुई है, उन लोगों से भी बात की गई है जिनसे ये तमाम नेम प्लेट लगाने की बात कही गई। उनका भी ये कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उनके कामकाज, ना ही उनके धंधे पर कोई इस आदेश का, इस फैसले का असर पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, किसी की अपनी एक दुकान है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो अपनी दुकान का नाम क्यों छुपाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, उसको तो नाम का अपना प्रचार करना है, उसे अपनी दुकान का प्रचार करना है, और प्रचार भी उसी के नाम से करना है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर कोई महमूद है वो शिवा बन के अपनी दुकान चला रहा है, या कोई शिवा है वो महमूद बन के दुकान चला रहा है, तो ये जो नेम डिस्क्रिमिनेशन है वो एक दूसरा धड़ा कह रहा है कि भैया, भारत में जो लोग अपना व्यापार करते हैं कोई नाम से नहीं करते हैं। हर आदमी की अपनी जरूरत होती है, हर आदमी का अपना बजट होता है, जरूरी नहीं कि वो अपनी दुकान का के ऊपर बोर्ड लगाए, नाम लगाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर हमारे जो साथी हैं वहां पर गए, उनका कहना था इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है कि दिक्कत किसको है? दिक्कत उस धड़े को है जो ये मानता है कि ये सांप्रदायिक कर दिया गया है। हालांकि जो लोगों से जब बात की जाती है तो उनका कहना है कि ये कोई सांप्रदायिक नहीं है, ये तो अपने नाम
को उजागर करने का एक तरीका है। अगर इस तरह का सरकार आदेश दे रही है तो उसमें पालन करने में क्या दिक्कत है? तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये एक मौके की राजनीति है, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस मामले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर आदेश हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जो है देखिए दूसरे ऊपर ही ऊपर तैर रही है, नीचे की तरफ कहीं बिल्कुल आमिर आप नजर बनाकर रखिएगा इस सुनवाई को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज अहम सुनवाई इस पूरे संदर्भ में होने जा रही है। क्या